अनीसा शर्मा सुसाइड केस पर कंगना रावत का बड़ा बयान, बताया हत्या, पीएम मोदी से कहा लड़कियों को बचाओ। टीवी सीरियल अभिनेत्री तनुषा शर्मा की आत्महत्या के मामले में एक बार फिर टीवी और इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। अदाकारा तनुषा शर्मा ने महज 20 साल की उम्र में खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अदाकारा तनुषा शर्मा ने अपने को स्टार सीजान खान के मेकअप रूम में जाकर खुदकुशी की थी। उसके बाद सीजान खान भी शक के घेरे में हैं। फिलहाल सीजान खान पर तनुषा शर्मा की मां ने हत्या के लिए उकसाने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद टीवी सीरियल स्टार को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। इसके बाद से सीजान खान न्यायिक हिरासत में हैं। अब इस मामले में अभिनेत्री कंगना रावत ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। अदाकारा कंगना रावत ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में लिखती हैं कि तनुषा शर्मा की मौत को हत्या करार दिया है। साथ ही अदाकारा ने अपनी इस लंबी इंस्टाग्राम पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी से महिलाओं को बचाने की अपील कर डाली है। अदाकारा ने लंबी इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर कर लिखा, एक महिला हर चीज़ का सामना कर सकती है, प्यार, शादी, रिश्ते, यहाँ तक कि किसी करीबी इंसान को भी, मगर वो इस तथ्य से कभी उबर नहीं पाती, प्यार कभी था ही नहीं। दूसरे व्यक्ति के लिए उसका प्यार सिर्फ उस तक पहुँचने का आसान जरिया और उसका शोषण करना भरी था। ये सच्चाई वो नहीं थी जो सामने वाले ने की, जो सिर्फ उसका शारीरिक और भावात्मक रूप से इस्तेमाल और उसका दुरुपयोग कर रहा था। अभिनेत्री ने अपनी बात जारी करते हुए इस आत्महत्या को हत्या बताया। अदाकारा ने लिखा, वो अपनी सोच पर भरोसा नहीं कर सकती है, ऐसी स्थिति में किसी को जीवित या मृत होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार जीवन हमारी धारणा है और यदि वो आपका जीवन समाप्त करने का फैसला करती है तो कृपया जान ले कि ये उसने यह अकेला नहीं किया है, यह एक आत्महत्या है। अदाकारा ने अपनी इस इंस्टाग्राम पोस्ट में आगे लिखकर कहा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि जैसे कृष्णा द्रौपदी के लिए उठे थे, जैसे राम ने सीता के लिए एक स्टैंड लिया था, हम आपसे सहमति के लिए बहुविवाह के खिलाफ बहुत मजबूत कानून बनाने की उम्मीद करते हैं। महिलाओं के खिलाफ एसिड हमले करने वाले को निश्चित रूप से कई टुकड़ों में काट देना चाहिए, बिना मुकदमे के तत्काल मौत की सजा सुना देनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।